तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप भी अपने मोबाइल में ऑडियो मैनेजर एप्लीकेशन में अपने फोटोज़ या वीडियोस को हाइड कैसे कर सकते हैं। तो गाइस जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना, जिससे ये आज नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस आपको अपने मोबाइल में ऑडियो मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि गाइस ऊपरी साइड ऑडियो मैनेजर वाला यहाँ पर देखिए ऑप्शन शो करेगा, इस पर लॉन्ग प्रेस करना है। इस पर लॉन्ग प्रेस करते गाइस आपको अपना जो पिन कोड है वो एंटर करने को बोलेगा। तो गाइस आपने पहले से जो भी अपना पिन कोड सेट करके रखा हुआ है उस पिन कोड को एंटर कर लेना है। यदि गाइस आपने अपना पिन कोड सेट नहीं किया तो सबसे पहले तो गाइस आपको अपना पिन कोड क्रिएट कर लेना होता है। तो यहाँ पर गाइस मैं अपना जो पिन कोड है उसे एंटर कर लेता हूँ। एंटर करते गाइस आपका जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस फोटोज और वीडियोज को हाइड करना है तो इसके लिए गाइस आपको क्या करना है, पिक्चर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्या करना है कि गाइस आपको न्यू एल्बम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्या करना है ऊपर की साइड प्लस वाला ऑप्शन शो करेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से गाइस आपने फोटोज को हाइड करना चाहते हैं तो गैलरी वाले पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर गाइस आपके सभी जो फोटोज है वो यहाँ पर शो करेंगे। तो इनमें से गाइस आप कौन से फोटो को हाइड करना चाहते हैं, जैसे गाइस मैं ये वाला फोटो हाइड करना चाहता हूँ, इस पर टिक कर लेता, इस पर भी टिक कर लेता। टिक करने के बाद आपने फोटोज को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर गाइस हाइड सिलेक्टेड फाइल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे गाइस आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गाइस आप कौन से फाइल में अपना फोटो हाइड करना चाहते हैं उस फाइल को चूज कर लेना। चूज करने के बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे गाइस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके जो फोटोज है वो यहाँ पर हाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से बैक आना है, फिर से बैक आना है और यहाँ पर जो भी जिस भी फाइल में आपने फोटो ऐड किया तो उस फाइल पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपके जो फोटोज़ है वो यहाँ पर शो कर रहे हैं और वहाँ से आपके अपने जो गैलरी में आपके जो वीडियो वाले फोटो थे वो वहाँ से हाइड हो चुके हैं और यहाँ पर गाइस आपने इन्हें हाइड कर लिया है। तो यहाँ से यदि गाइस आप इन फोटो को देखना चाहते हो गैलरी में नहीं देख सकते, आप इस एप्लीकेशन को ओपन करके ही इन फोटो को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आप वीडियोज़ को हाइड करना चाहते हो यहाँ से बैक आना है और वीडियोज़ वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर सेम प्रोसेस करना है आपको, यहाँ पर न्यू एल्बम पर क्लिक करना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से गाइस जिस भी वीडियो को गाइस आप हाइड करना चाहते हैं उस वीडियो को यहाँ पर चूज कर लेना है। जैसे कि मैं ये वाला वीडियो हाइड करना चाहता हूँ इस पर क्लिक करता हूँ और नीचे की साइड हाइड सिलेक्टेड फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर हाइड हो जाएगी। फिर से बैक आना है तो यहाँ पर देखिए आपका जो आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर सेव हो चुकी है और गाइस आपके गैलरी से हाइड हो चुके हैं गाइस। तो इस तरह से गाइस आप भी अपने ऑडियो मैनेजर एप्लीकेशन में यदि गाइस आप भी अपने जो फोटोज़ और वीडियोज़ को हाइड करना चाहते हैं तो गाइस कुछ इस टाइप से आप उन्हें हाइड कर सकते हैं गाइस। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो चलो और वीडियो चलो तो वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस, ताकि ये जनरल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहेगी। थैंक यू गाइस।